नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ सिंह राशि सिंह लग्न वालों का जुलाई 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश सूर्य जो है वो एकादश भाव में राहु और शुक्र के साथ विराजमान होने के कारण इनकम का फ्लो तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ वो इनकम बहुत जल्दी खर्च भी हो सकता है, क्योंकि जब भी लग्नेश यानी सूर्य की युति राहु के साथ पड़ती है तो ऐसी स्थिति में ऊटपटांग के अनचाहे इनकम तो कराता है, लेकिन वो अनचाहे खर्चों में भी बदल जाता है। दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीयेश द्वादश भाव विराजमान है, तो फिर से मैं कहूँगा कि खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जिस तरह से आप धन कमाएंगे उससे आपसे खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहेंगे। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तृतीयेश शुक्र जो है वो एकादश भाव विराजमान है, तो पराक्रम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप अपने बातचीत के तरीके से लोगों को अच्छे तरीके से इम्प्रेस कर पाएंगे, पराक्रम अच्छा होने की वजह से इनकम का फ्लो भी बढ़ेगा। चौथे भाव में गुरु विराजमान है, चतुर्थेश मंगल जो है वो द्वादश स्थान में विराजमान है, तो ऐसा हो सकता है कि घर के मेंटेनेंस के पीछे कुछ पैसे ज़्यादा खर्च हो अथवा घर वालों के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी ज़्यादा हो सकती है। पाँचवें घर में शनि और केतु विराजमान है, जिस वजह से कॉन्सेंट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, स्पेशली बच्चों का दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ या फिर बच्चे जो हैं आपकी बात को ठीक तरह से नहीं समझ रहे हैं। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश शनि जो है वो पंचम भाव में विराजमान होने के कारण बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा नहीं और उनकी हरकतें भी ठीक नहीं रहेगी, खासकर विद्यार्थी लोग, उनका दिमाग या फोकस पढ़ाई पे नहीं लगेगा। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान होने के कारण पत्नी के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा, बशर्ते उनकी बात को सुना जाए, अगर आप उनकी बात को इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टमेश गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण घर में किसी न किसी बात को लेकर समस्या पैदा हो सकती है या फिर कोई पुराना विवाद फिर से तूल पकड़ सकता है। नवे भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश द्वादश भाव में विराजमान होने के कारण भाग्य भी उतना ज़्यादा इस महीने साथ ना दे। हाँ, कामकाज के सिलसिले में थोड़ा घर से दूर जाना पड़ सकता है या विदेश यात्रा भी हो सकती है। दशम भाव में चंद्रमा विराजमान होने के कारण विदेश यात्रा का योग बन रहा है या फिर कामकाज की जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि द्वादशेश चंद्रमा दशम भाव में विराजमान है। एकादश भाव में राहु शुक्र और सूर्य विराजमान होने के कारण इनकम फ्लो तो अचानक बढ़ेगा, लेकिन एक जैसा नहीं रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा कभी कुछ भी नहीं, फ्लक्चुएशन बना रहेगा, बशर्ते आप इनकम को सही तरीके से करें। द्वादश भाव में मंगल और बुध विराजमान होने के कारण विदेश यात्रा तो बनती ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज़ों पे भी खर्च हो सकता है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर कुछ एसेंशियल खर्चे जो घर में करने पड़े वहाँ पर पैसे ज़्यादा निकल सकते हैं, इसलिए चीज़ों को सोच समझ कर ही पैसा खर्च करें। ओवरऑल यह महीना दो बातों का स्पेशली ध्यान रखना है, अपने खर्चे पे कंट्रोल करना है और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आपको नुकसान हो। तो ये था सिंह लग्न सिंह राशि वालों का जुलाई 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।